आज से लगभग 100 वर्ष पहले 26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडियन डेली जर्नल में एक न्यूज पब्लिश होती है जिसका शीर्षक होता है द विलेज ऑफ डेड, जहां की एक गांव रातों रात अचानक से गायब हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्पेस हंगर के एक और मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। उत्तरी कनाडा पूरे साल बर्फ से ढका होता है जिस वजह से यहाँ बहुत कम ही लोग निवास करते हैं, परंतु दोस्तों इस्किमो जनजाति इस खतरनाक जगह पर हजारों वर्षों से निवास करते आ रहे हैं। जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से यहाँ पर लोग भोजन के लिए पूर्णतः शिकार पर ही निर्भर करते हैं और शिकार के ही तलाश में जो लेवलो नामक इंसान इस बर्फ से भरे घने जंगलों में आया था। 24 नवंबर 1930 को जो लेवलो को शिकार करने के दरमियान वक्त का पता ही नहीं चला एवं उसे काफी रात हो गई। उसने पास ही एंजुकिनी लेक के किनारे बसे गांव इनुइट में आश्रय लेने का सोचा और गांव की ओर बढ़ने लगा। जब वह गांव के करीब पहुंचा तो उसे इनुइट में अजीब सी शांति दिख रही थी। उसे घबराहट होने लगी और जब वह उस गांव में पहुंचा तो वहां के हालात देख के उसके होश ही उड़ गए। पूरा का पूरा गांव खाली था। पहले तो उसे लगा शायद सभी इस्किमो किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हों, पर कुछ घरों से उठ रहे धुएं एवं रस्सी से बंधे मरे हुए कुत्ते को देख उसे कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये लोग अपने कुत्तों के बिना कभी भी ट्रैवल या शिकार पर नहीं जाते थे। लेवलो ने उन घरों की ओर रुख किया जिन घरों के चिमनियों से धुआं निकल रहे थे। घरों के अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि खाने अभी भी स्टोव पर जले रखे हुए थे। लेवलो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यहाँ रहने वाले सभी लोग एक झटके में ही धूल बनकर हवा में उड़ गए हों। शिकारी जो लेवलो तुरंत ही 10 किलोमीटर दूर स्थित फॉरेस्ट ऑफिसर्स को इन चीजों की जानकारी देते हैं। जानकारी मिलते ही सरकारी अधिकारियों ने जब यहां पड़ताल किया तो उन्होंने पाया कि कुत्ते जो मरे पड़े थे उनकी मौत भूख से हुई है, क्योंकि उन्हें कोई खाना देने वाला बचा ही नहीं था। इन बातों से उन्होंने अंदाजा लगाया कि घटना 5 से 6 दिन पूर्व की है। पुलिस तब और भी अचंभित हो गए जब उन्होंने देखा कि कब्रगाह से भी इंसानों को खोदकर गायब कर दिया गया था। पूरे गांव में ना तो किसी के आने का संकेत नजर आ रहा था और ना ही किसी के जाने का। अगर कुछ सुराग मिल रहे थे तो सिर्फ जो के पैरों के निशान। झीलों के किनारे नाव भी बिल्कुल सटीकता से बंधे पड़े थे। अथक प्रयासों के बाद भी सरकारी अफसरों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगा। अंततः वो भी इस घटना को अनसॉल्व्ड फाइल करके बंद कर दिए। अफवाहें हवा की तरह फैलने लगें और अस्पष्ट बातों को समझाने के लिए लोगों ने अपने अपने राय सामने रखने लगे। कुछ लोगों ने विदेशी अपहरण के बारे में अनुमान लगाया, जबकि कुछ का मानना था कि ये काली आत्माओं का काम था। लेकिन इनुइट गांव के बारे में लोगों का राय किसी ठोस स्पष्टता को जन्म नहीं दे रहे थे। समय बीतता गया और लोग इस घटना को भूल गए। लेकिन घटना के ठीक 54 वर्ष बाद 1984 में रोजर बोर एवं नाइजल ब्लेंडल ने एक आर्टिकल लिखा और उस पूरे मामले को एलियंस से जोड़ने का कोशिश करा। उन्होंने आर्टिकल में लिखा कि जब वह इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनकी मुलाकात एक परिवार से हुई जो इनुइट गांव के पास ही एंजुकिनी लेक के किनारे रहते थे। उनका कहना था कि वे अक्सर वहां आकाश में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो कि बड़े से गोले आकार में होता है और अधिकांश वह उस ओर दिखते हैं जहां वह छोटा सा कबीला वर्षों पहले हुआ करता था। पूरी आर्टिकल के माध्यम से ये दोनों इस घटना को एलियंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर सच क्या है ये तो आज 100 साल बाद भी पहेली ही बना हुआ है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। मिलते हैं एक और मिस्टीरियस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।